हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिकल लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारे लिए बहुत खास है। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है गोदाम वायरिंग। अब ये गोदाम वायरिंग होती क्या है फ्रेंड्स? ये गोदाम वायरिंग हमारे वहां काम आती है जहां हमारे किसी चीज का, यानी कि हमारे कपड़ों का या किसी किराने का गोडाउन हो बहुत बड़ा और वहां पे हमारे को लाइट ऑन करनी है, तो वहां पे हम जो वायरिंग करते हैं ये वायरिंग उसके लिए है। फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है कि हम वहां पे एक ही जो हमारा स्विच होता है उससे पूरे गोडाउन की लाइट ऑन कर दे। अगर ऐसा होगा तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ बिजली की खपत बहुत ज्यादा होगी और हमारा जो बिजली का बिल है वो भी एक्स्ट्रा आएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गोदाम वायरिंग करते हैं जिससे एक अगर स्विच को ऑन किया जाए तो सिर्फ एक ही बल्ब जहां पे हमारे को काम करना है, जहां से कोई हमारे को सामान निकालना है, हम वहीं की लाइट ऑन करें। तो आज हम देखेंगे गोदाम वायरिंग किस प्रकार की जाती है। एक बार हम इसके अंदर देख लेते हैं हमारे को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए 4 लैंप, क्योंकि मैं एक बार आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ ताकि उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 लैंप ले लिए। और अगर आपका गोडाउन जिस अकॉर्डिंग जितना बड़ा है आप उतने लैंप और स्विच ले सकते हैं। 4 लैंप मैंने यहाँ ले लिए, 2 वे स्विच जो होते हैं हमारे मैंने यहाँ 3 ले लिए और एक 1 वे स्विच, ताकि अगर मैं अंदर एंट्री करूँ तब तो इसको ऑन कर दूं और बाहर चला जाऊं तो इसको ऑफ कर दूं ताकि मेरे सारे स्विच ऑफ हो जाए। तो अब कर लेते हैं हम इसके कनेक्शन, उसके बाद में मैं आपको कनेक्शन करने के बाद समझा दूंगा प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से मैंने इसके कनेक्शन किए। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको बोर्ड पे एक बार और समझा दूंगा सर्किट बनाकर। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं इनके कनेक्शन मैंने किस प्रकार किए हैं। तो जैसे मेरे पास 4 लैंप है तो मैंने चारों के न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे कॉमन करके और एक वायर सिंगल यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये मेरा न्यूट्रल हो गया डायरेक्ट, जो मैं यहाँ पे बोर्ड में एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एक एक वायर जो लैंप का है जो फेज इनके अंदर जाने वाला है वो मैंने कनेक्ट कर लिया एक एक 2 वे स्विच से। और यहाँ पे जो लास्ट के 2 जो लैंप रहेंगे उनको मैं एक ही 2 वे स्विच से कंट्रोल करने वाला हूँ, ताकि एक बार चालू करूं तो हमारा ये वाला लैंप और दूसरी बार ऑन करूं तो दूसरे साइड ऑन करूं तो ये वाला लैंप ऑन हो जाए। तो ये हमारा कनेक्शन कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पे मैं सप्लाई देके दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए सही से। यहाँ पे मैंने 1 वे स्विच के अंदर डायरेक्ट फेज के लिए एक तार कनेक्ट कर लिया है। यहाँ से फेज हमारा जाएगा 2 वे स्विच के सेंटर पॉइंट पे, यहाँ से दोनों तरफ यहाँ पे मेरा ऑन ऑफ हो जाए या जो हमारा फेज है वो दोनों साइड चल जाए। तो एक बार चल जाएगा इस लैंप में और दूसरी बार इसको ऑन करूंगा तो यहाँ चल जाएगा हमारे सेकंड लैंप, यानी स्विच के अंदर जाके सेकंड लैंप में। और फिर यहाँ से 2 वे स्विच है जो सेकंड वाला 2 वे स्विच है, यहाँ से ऑन करूंगा तो मेरा चल जाएगा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के अंदर। और थर्ड और फोर्थ के अंदर एक बार ऊपर नीचे ऑन ऑफ करने पर ये दोनों वर्क करेंगे। तो इनको मैं ऑपरेट करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये वर्क करेंगे। तो यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको फेज से फेज और न्यूट्रल से न्यूट्रल को। अब जैसे ही मैं 1 वे स्विच से इसको ऑन करूंगा तो मेरा पहला लैंप ऑन हो जाएगा।
तो मैंने जैसे ही वन वे स्विच को ऑन किया, मेरा पहला लैंप ऑन हो गया। अब मेरे को जैसे जैसे आगे जाना है तो मैं टू वे स्विच का इसको जैसे ही अभी मेरे नीचे की साइड है, जैसे ही ऊपर घूमूंगा मेरा सेकंड लैंप ऑन हो जाएगा। अब मेरे को मान लो और आगे जाना है तो मैं उससे नेक्स्ट वाला जो स्विच है उसको ऑन करूंगा, मेरा अगला लैंप चालू हो जाएगा। और मान लो मेरे को लास्ट में यानी कि गोडाउन के लास्ट में जाना है तो मैं लास्ट वाले जो टू वे स्विच है जैसे मैंने बताया तो दोनों दो लैंप के लिए है, ये एक इस वाले के लिए और एक इस वाले के लिए, तो जैसे इसको ऑफ करूंगा तो ये दूसरे साइड मेरा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। अब मेरे को बाहर जाना है, गोडाउन से बाहर जाना है, तो ऐसा तो नहीं है मैं सारे लैंप इस लैंप को ऑन छोड़ जाऊंगा बाकी अंधेरे अंधेरे चला जाऊंगा। तो मैं जैसे इसको ऑन करूंगा मेरा लैंप चालू हो जाएगा, फिर यहां से नेक्स्ट आगे आगे जाता रहूंगा और मैं लास्ट में आकर ये जो वन वे स्विच लगा है इसको ऑफ करके और गोडाउन से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये था मेरा आज का कनेक्शन या प्रैक्टिकल जो गोडाउन का। और अब हम एक बार इसको सर्किट डायग्राम जो बना के आपको और दिखा देता हूँ कि बोर्ड पे किस प्रकार से मैंने इसके कनेक्शन किए। चलो तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो मैंने इसके जो अभी कनेक्शन किए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, चार लैंप थे, चारों लैंपों के मैंने न्यूट्रल जो है वो यहां पे कर लिए थे कॉमन। यार जो न्यूट्रल है मैंने यहां पे कर लिए कॉमन और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया मैंने बोर्ड के अंदर। अब बात आती है फेज की, तो फेज था सबसे पहले मैंने दिया था वो दिया था मैंने एक वन वे स्विच के अंदर, यहां पे मैंने वन वे स्विच के अंदर हमारा दे दिया फेज। फर्स्ट लैंप को ऑन करने के लिए मैंने यहां पे लगाया एक टू वे स्विच, एक यहां पे और सेकंड लैंप के लिए, या थर्ड और फोर्थ लैंप के लिए मैंने यहां पे एक यहां पे लिया टू वे स्विच। अब यहां से फेज जो है हमारा वो जाना चाहिए फर्स्ट जो हमारा टू वे स्विच है, फिर जब अब फेज आगे जाना चाहिए हमारे टू वे स्विच के अंदर तो मैंने यहां से नीचे से ले लिया और इसे यहां पे इस प्रकार ले लिया। अब इस लैंप को ऑपरेट करने के लिए मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है सेकंड से और ये यहां पे थर्ड और फोर्थ के लिए। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहां पे इस स्विच को वन वे स्विच को ऑन करूंगा मेरा पावर जो सप्लाई है वो सेकंड यानी कि टू वे स्विच के अंदर चल जाएगी। जैसे हमारा स्विच ऊपर की तरफ ऑन करूंगा फर्स्ट हमारा ऊपर की तरफ ऑन रहेगा तो मेरा यहां से फेज इस लैंप के अंदर चल जाएगा और यहां से न्यूट्रल इसको मिल ही रहा है तो मेरा फर्स्ट लैंप ऑन हो जाएगा। मान लो मेरे को यहां पे इस लैंप से यानी कि गोडाउन के अंदर मेरे को इस जगह से कोई काम नहीं है, मेरे को यहां जाना है, यहां जाऊंगा तो मैं इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन करूंगा। जैसे नीचे की तरफ ऑन करूंगा तो हमारा फेज यहां से कनेक्ट हो जाएगा और यहां से डिसकनेक्ट हो जाएगा और जैसे यहां से फेज यहां चल जाएगा और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यहां पे स्विच ऊपर की तरफ ऑन रहेगा तो मेरा ये वाला स्विच ये जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा यानी कि यहां से इस प्रकार ये फेज मिल जाएगा और यहां से न्यूट्रल मिल ही रहा है। मेरे को मान लो इस यहां से यानी कि मेरे को इस जगह से काम नहीं है, आगे जाना है मेरे को गोडाउन के अंदर, इसी प्रकार मैं इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन करूंगा तो मेरा यहां से फेज कनेक्ट हो जाएगा अगले लैंप के लिए अगले स्विच के लिए और यहां से डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगले स्विच में यहां पे मेरे पास फेज चला जाएगा और फर्स्ट टाइम के अंदर मेरे पास ऊपर की तरफ यहां स्विच ऑन रहेगा तो मेरा ये वाला लैंप ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं स्विच को नीचे की तरफ करूंगा तो ये वाला लैंप ऑन होते हैं मेरे को यहां पे जो काम होगा मैं कर लूंगा। अगर मान लो मेरे को और आगे जाना है यानी कि जो हमारा गोडाउन है उसके एंड में जाना है तो मैं स्विच को नीचे की तरफ ऑन करूंगा तो जैसे नीचे ऑन करूंगा तो फेज मेरा चल जाएगा सेकंड लैंप पे और फर्स्ट लैंप से यानी कि इस वाले लैंप से डिसकनेक्ट हो जाएगा, यहां फेज जाएगा और यहां से न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट मिल ही रहा है और ये लैंप ऑन हो जाएगा। अब मेरे को मान लो गोडाउन से बाहर आना है, गोडाउन से बाहर आना है तो मैं इस स्विच को
जिस प्रकार आते टाइम नीचे की तरफ ऑन किया था तो ऊपर की तरफ ऑफ करते चलना है। जैसे ऑफ करूंगा पहला लैंप जो आखिरी वाला लैंप है वो ऑफ हो जाएगा और उससे पहले वाला लैंप ऑन हो जाएगा। फिर इससे आगे आऊंगा इसको ऊपर करूंगा तो ये वाला लैंप ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। इस लैंप को इस स्विच को जैसे ही ऊपर की तरफ ऑन करूंगा ये वाला लैंप ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। और बाहर आकर जो मैंने वन वे स्विच लगाया है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वन वे स्विच, इसको जैसे मैं ऑफ करूंगा तो मेरी सारी जो सप्लाई है यहां से ये कट हो जाएगी। आगे मेरे को फेज न्यूट्रल कुछ नहीं, फेज न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता रहेगा, फेज मेरे को मिलेगा नहीं तो मेरा पोजिशन लैंप ऑन नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल गोडाउन वायरिंग जो हम सीख लिए हैं कि किस प्रकार करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बड़े बड़े गोडाउन होते हैं और उनको वर्कर्स को जो सामान निकालना होता है वो इन लैंपों के माध्यम से रोशनी करके आराम से निकाल सकते हैं।